जय श्री राम सभी को। मैं हनी तोमर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम प्रभु श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आपको बताएंगे, जो शायद ही आप इससे पहले जानते होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की दबा ले। हम सभी रामायण के लक्ष्मण से भलीभांति परिचित हैं। वह प्रभु श्री राम के छोटे भाई थे जिन्हें उनके समर्पण के लिए जाना जाता है। वह आखिरी समय तक प्रभु श्री राम के साथ रहे। वह ना कि एक आज्ञाकारी भाई थे बल्कि एक आदर्श देवर भी थे। उन्होंने सीता माता को हमेशा अपनी माँ समझा और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन एक पुत्र के समान ही किया। तो आइए आज हम आपको लक्ष्मण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। नंबर एक, भगवान राम के वचन के कारण ही लक्ष्मण की मृत्यु हुई थी। जब माता सीता पृथ्वी में समा गई और भगवान राम का कार्य इस पृथ्वी पर संपूर्ण हुआ तो प्रभु श्री राम ने गोलोक को जाने का निश्चय किया। हनुमान जी को यह बात सही नहीं लगी और उन्होंने यम को भगवान राम से मिलने नहीं दिया। प्रभु श्री राम ने हनुमान को विचलित करने के लिए अपनी अंगूठी पाताल में फेंक दी और हनुमान को उसे लाने के लिए कहा। हनुमान उसे लाने के लिए चले गए और यम राम से मिलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यम ने मिलने से पहले एक शर्त रखी कि हमारी यह बात गुप्त रूप से होगी और जो भी इसे सुन लेगा उसे आप स्वयं मृत्यु दंड देंगे। प्रभु श्री राम ने शर्त को स्वीकारते हुए लक्ष्मण को पहरेदारी के लिए कहा और बोला कि किसी को भी अंदर नहीं आने दे। इसी बीच दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित होकर राम से मिलने आए। लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होते हुए उन्होंने कहा कि यदि उन्हें राम से नहीं मिलने दिया तो वह पूरे अयोध्या को अभिशाप दे देंगे। लक्ष्मण ने निश्चय किया कि वह राम को जाकर यह सब बात बता देंगे और लक्ष्मण अंदर चले गए। जैसा कि पहले से ही तय हो चुका था कि जो भी यम और प्रभु श्री राम की बातचीत में विघ्न डालेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके बाद लक्ष्मण स्वयं सरयू नदी पर जाकर उसमें कूद जाते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। कहा जाता है कि विष्णु का आसन शेषनाग है और उनका आसन बनने के लिए लक्ष्मण राम जी से पहले गोलोक गए। नंबर दो, वनवास के दौरान लक्ष्मण का राम और माता सीता के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर निंद्रा देवी ने उन्हें वरदान दिया था कि वह 14 सालों तक लगातार जगे रहेंगे, उन्हें नींद नहीं आएगी। हालांकि यह वरदान उन्हें तभी मिला जब लक्ष्मण की नींद उनकी पत्नी उर्मिला लेने को तैयार हुई। उर्मिला लक्ष्मण के बदले 14 सालों तक लगातार सोती रही और लक्ष्मण लगातार 14 सालों तक प्रभु श्री राम और सीता की देखभाल करते रहे। नंबर तीन, लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे इसलिए राम की कही हर बात को वह मानते थे। इसलिए अगले जन्म में बड़ा भाई बनने की उनकी इच्छा पूरी हुई। विष्णु कृष्ण के रूप में और शेषनाग बलराम के रूप में पैदा हुए जो कि कृष्ण के बड़े भाई थे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही जन्मों में वह अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध थे। नंबर चार, लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे यह बात सभी जानते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर ही बैठकर आराम करते थे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि शेषनाग के फन के ऊपर ही पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। शेषनाग बहुत सारे फनों वाला एक विशाल काय नाग है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में शेषनाग की पूजा की जाती है। तो ये थे लक्ष्मण जी के विषय में कुछ रोचक तथ्य। यदि आपको पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक करें और भविष्य में ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की जरूर दबा ले। जय श्री राम।